Hi guys, this is Anjusha. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are fit and fine. तो आज का vlog मैं start कर रही हूँ सुबह के 6:30-7 बजे से. यहाँ पे मैं अपना me time पूरा finish कर चुकी हूँ and आजकल मैं ले रही हूँ aloe vera and पानी morning drink में थोड़ा सा warm करके. and यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में. तो उठते के साथ ही सबसे पहले मैं laundry लगा देती हूँ क्योंकि ये अपने आप होता रहता है. बाकी घर के काम जब तक होते हैं तब तक जो है कपड़े भी धुल जाते हैं एंड दोपहर तक सूख जाते हैं. स्पेशली जिस दिन धूप निकला हो मैं सुबह सुबह कपड़े लगा देती हूँ क्योंकि आजकल मॉनसून में तो हमें मौसम देख के ही कपड़े धुलने चाहिए, नहीं तो वो सूखते ही नहीं है 2-3 दिन तक और उसमें अजीब सी स्मेल भी आ जाती है. तो जो बारिश का सीज़न होता है उसमें फैब्रिक कंडीशनर जो होता है वो यूज़ करती हूँ ताकि कपड़ों में स्मेल ना आए. एंड यहाँ पे रितविन अपना किंडर जॉय दिखा रहा था. तो आज मेरे यहाँ जो गाय का दूध आता है वो नहीं आया है तो इसलिए आज हम लोग बाहर से पैकेट वाला दूध लेके आए हैं. वो कल ही बता दिया था उसने कि वो आज नहीं देगा. एंड यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और थोड़ा सा जो मेरा सनस्क्रीन एंड स्किन केयर है वो कर रही हूँ. सो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैं कौन सा सिंदूर यूज़ करती हूँ. तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का सिंदूर यूज़ करती हूँ. मेरा जो बॉटल का नाम है वो भी मिट गया है. ये बहुत अच्छे से टिकता है, पसीने में बहता भी नहीं है एंड आज अच्छे फूल भी आए हैं. मॉनसून में जनरली अच्छे फूल आ जाते हैं पौधों में. तो यहाँ पे मैं उन्हें भगवान जी को भी चढ़ा दूंगी पूजा करते टाइम. सो ये देखिए फूल मैंने चढ़ा दिए यहाँ पे एंड मेरी पूजा भी हो गई है. हाय गाइस, सो मैं मिल रही हूँ आपको अभी 10:15 बज रहे होंगे आई थिंक एंड ब्रेकफास्ट हो गया है प्रिंस और रितविन का. रोटी और पनीर मटर की सब्जी जो रात में बनी थी. सो यस, लेफ्ट ओवर मतलब जो बचा था वही सुबह यूज कर लिया गया है एंड मैं खाऊंगी पपाया क्योंकि घर पे पपाया है एंड पपाया मेरा फेवरेट है. अभी जस्ट मैंने स्टार्ट लिया है, मॉर्निंग के सारे काम खत्म हो गए हैं एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी लंच प्रिपरेशन. तो आज थोड़ा सा चिकन बनेगा एंड थोड़ा सा कुछ और भी बनाऊंगी मैं अपने लिए क्योंकि आज लास्ट डे है नॉनवेज खाने का. उसके बाद हम एन भी नहीं खाएंगे 1 मंथ तक क्योंकि सावन स्टार्ट होने वाला है. तो आज वेडनेसडे भी है तो मैं नहीं खा पाऊंगी एंड इसलिए मैं अपने लिए कुछ और बनाऊंगी और रितविन और प्रिंस के लिए चिकन बनाने वाले. चलिए फटाफट काम स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ. ओके गाइस, सो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे प्रिंस और रितविन के लिए मैं बना रही हूँ चिकन एंड सबसे पहले मैं चिकन बना के साइड में रख दूंगी, फिर किचन क्लीन करूंगी, देन ही मैं बाकी का खाना बनाऊंगी. सो ये देखिए चिकन थोड़ा सा ही आया था क्योंकि बस प्रिंस खाने वाले हैं एंड रितविन. और यहाँ पे ये देखिए चिकन बनने के बाद मैंने सारे बर्तन धुल दिए हैं और लंच की भी तैयारी मैंने कर दी है और प्रिंस और रितविन के लिए मैंने राइस भी बना दिया है. यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ ये मुझे काफी पसंद है, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया है. बट मुझे इसका नाम नहीं पता था, मतलब पसंद है बट नाम नहीं पता था एंड आप लोगों ने बताया कि इसे खेक्सा कहते हैं एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है. मतलब करेला किसी का फेवरेट हो सकता है पता नहीं, बट मेरा फेवरेट है और करेला और ये दोनों ही मेरा फेवरेट है बिकॉज दोनों ही सेम टेस्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है. सो यहाँ पे मैं वापस इसे कंटेनर में भर रही हूँ. उसके बाद थोड़ा सा बस इसमें जीरा हींग और प्याज डालूंगी, देन आपको खेक्सा डाल के फ्राई कर लेना है. तो बहुत ही ईजी एंड बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे ये एंड अपने लिए यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ. तो आज प्रिंस और रितविन खाने वाले हैं चिकन एंड राइस और मैं खाने वाली हूँ खेक्सा एंड. ओके, सो खेक्सा फ्राई हो रहा है, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि टाइम नहीं हुआ था मेरे ब्रेकफास्ट का. और यहाँ पे मैं आज पपाया खा रही हूँ. पपाया बहुत ही मीठा था आज वाला एंड यहाँ पे मैं काला नमक डाल रही हूँ. तो चाहे अमरूद खाऊँ या फिर पपाया या फिर अंगूर अनार, मैं काला नमक जरूर डालती हूँ. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिया सीड्स भी डाल रही हूँ, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है. थोड़ा सा क्रंचीनेस लाता है, चाहे आप फ्रूट सैलड बनाओ या फिर नॉर्मल सैलड बनाओ या स्मूदीज वगैरह में ऐड करो, बहुत ही अच्छा क्रंची फ्लेवर देता है एंड हेल्दी तो होता ही है.
सो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। एंड जब भी मैं अकेले खाना खाती हूँ ना, मुझे आदत है टीवी या फिर मोबाइल वगैरह देखने की। सो यहाँ पे मैं वही करूँगी, बट आप इसे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बट कभी कभी मतलब मैं जब अकेले खाने के लिए बैठती हूँ तो देख लेती हूँ। एंड ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये मैं आई थिंक थोड़े दिन बाद डालने वाली हूँ, तो इसे मैंने शेड्यूल करके रख दिया था। एंड ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मैं बहुत सारे कंटेंट्स पोस्ट करते रहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगी। एंड यस, व्लॉग के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे अच्छे पोस्ट करते रहती हूँ, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा एक बार। एंड ब्रेकफास्ट मेरा यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे मैं केक्सा जो है वो ऑलमोस्ट मेरा फ्राई हो गया है। एंड ये देखिए मेरा चॉपिंग बोर्ड नया वाला, तो ये बहुत दिनों से आके रखा है, बट मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। यूज़ करने से पहले मैं इसे एक बार धो ले रही हूँ। मुझे ऐसा होता है ना कि कोई भी नई चीज़ आती है तो मैं जल्दी नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो पुरानी हो जाएगी। बट कुछ लोग होते हैं जो नई चीज़ आती है एक्साइटमेंट यूज़ कर लेते हैं, बट मेरे साथ उल्टा है, मैं नहीं निकालती हूँ जल्दी उसको, मुझे ऐसा लगता है वो ख़राब हो जाएगा, नया वाला जो है पुराना हो जाएगा। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? आप उसे रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। सो लंच तो बन गया है, एंड मैं यहाँ क्या बना रही हूँ आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। हम जाने वाले हैं 3-4 बजे बाहर बीच पे, सो उसके लिए मैं डिनर बना के जा रही हूँ, क्योंकि बीच से आने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे मैं पहले ही बना के रख दे रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बीच में इतनी हवा चलती है एंड हमारा बाहर खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मैंने बर्थडे में भी खाया था और बीच में 2-3 बार हम लोगों ने और बाहर खाया है जिस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया था। बट आज हमारा मन नहीं था, इसलिए मैं खाना बना के जाऊँगी पूरा कंप्लीट, पराठे एंड कैबेज फ्राई, क्योंकि आने के बाद मुझे कुछ भी करना ना पड़े, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो। ये जो आप ट्रैक देख रहे हो ना, ये एक इन्वर्टर ट्रॉली है जो कि मुझे कोलैबोरेशन में आई थी, तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा, मुझे इसका रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करना था। मैंने इसमें इन्वर्टर रख के दिखाया था, बट हमारे पास ऑलरेडी इन्वर्टर का कैबिनेट है, तो मैंने इसे यहाँ पे किचन में यूज़ कर लिया है। वैसे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास नहीं है इन्वर्टर ट्रॉली तो आप ये वाला चेकआउट कर सकते हैं, मैंने इससे पहले ही वो वीडियो डाल दिया है। यहाँ पे मैं कैबेज फ्राई कर रही हूँ, एंड कैबेज ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है, फिर गलते गलते वो कम हो जाता है, बट कढ़ाई में ना वो इधर उधर स्पिल हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पूरा भर जाता है। सो यहाँ पे मैं बिरयानी पॉट जो है मेरा प्रेस्टीज का वो यूज़ कर रही हूँ, इसका जो मतलब जो जिससे हम डालते हैं जिसमें ऊपर वाला एरिया वो काफ़ी बड़ा है ना, तो चलाने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैबेज ऑलमोस्ट गल चुका है, तो अब मैं इसमें टोमेटो डाल दूंगी एक बड़ा सा। एंड ये देखिए हमारे फ्रिज में पूरा बर्फ जम गया है, ये फ्रिज काफ़ी पुराना है बट अभी भी टच उड अच्छे से चल रही है, बट यहाँ पे डिफ्रोस्ट करते रहना पड़ता है, ये जो बर्फ है बहुत जल्दी जम जाती है। सो यहाँ पे मेरा जो कैबेज है वो भी फ्राई हो गया है, बट इसमें टोमेटो डाल के मैं और थोड़ी देर पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में। मैं कैबेज बस हल्दी नमक ही उसमें डालती हूँ और कुछ भी डालती हूँ। एंड यहाँ पे मैं आटा भी गूंथ ले रही हूँ, आटा मैंने वही रागी वाला लिया है, ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, देन हम नेक्स्ट में प्लेन वाला आटा लेके आएंगे। तो इसी तरह हम स्विच करते रहते हैं, एक बार मल्टीग्रेन, एक बार जो नॉर्मल आटा होता है वो लेके आते हैं। इसी तरीके से जो टेस्ट है वो भी चेंज होते रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आटा गूंथ के छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद पराठे बना दूंगी निकलने से पहले। एंड कैबेज भी हमारा इधर फ्राई हो रहा है आराम से, तो आटा वगैरह गूंथ के मैं रख दूंगी ताकि ये थोड़ी देर रेस्ट मिल जाए इसे और अच्छी रोटियां बने। मैं पराठे बना के जाऊंगी, क्योंकि रोटी तो ठंडी अच्छी नहीं लगती है, सो पराठे अगर ठंडे हो तो भी चल जाते हैं। सो मीनवाइल यहाँ पे मैं ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ना हमारे टीवी यूनिट में, इसे मैंने पूरा खाली किया है, इसमें अननेसेसरी सामान भरा हुआ था,
तो ये जो पूरा मतलब जो कैबिनेट है वो मैं रितविन के लिए रखने वाली हूँ, रितविन के बुक्स एंड बैग्स वगैरह, क्योंकि वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। एंड ये जो आप दाग देख रहे हैं ना, ये गंदगी नहीं है, ये एक्चुअली फेविकॉल है। हमारे कारपेंटर ने हर जगह फेविकॉल डाल दिया ताकि एक कैबिनेट में कीड़े लगे तो वो दूसरे में ट्रांसफर ना हो। एंड यहाँ पे मैंने कपूर रखा है ताकि स्मेल अच्छा करे और कीड़े वगैरह ना आए। तो यहाँ पे मैंने उसके सारे जो जो भी वो बुक्स पढ़ता है वो मैंने रख दिए हैं, बैग रख दिए हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है ताकि इधर उधर फैला ना रहे। आज बारिश नहीं हो रही है और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये जो टॉप आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बकवास टॉप मैंने अमेज़ॉन या मिंत्रा से लिया था। एंड इसकी फिटिंग बहुत ही बेकार है, इसलिए मैंने इसे घर पे निकाल लिया है। एंड बहुत ही बेकार टॉप है ये, मतलब कॉटन की है बट बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं है। तो अब मैं आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए, तो पराठे वगैरह बना के मैं रख दूंगी। तब अभी तक मेरा कैबेज पक ही रहा है क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम लगता है और हम थोड़ा सा ज़्यादा पकाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे कैबेज बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है। बट थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाता है ना तो खा लेते हैं। सो यहाँ पे इसलिए आप मेरे ब्लॉग में कैबेज बहुत कम देखोगे। कैबेज, गोभी वगैरह मुझे पसंद नहीं है, मतलब मुझे ब्रोकली पसंद है बट गोभी एंड पालक, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, कैबेज, वो पसंद नहीं है। एंड मैं फंबल कर रही हूँ, आई एम सॉरी। सो इसलिए मैं ये ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। मुझे गोभी के पराठे पसंद है बट गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। ओके सो अभी लगभग 4 बजने वाले हैं एंड ये है मेरा लंच, खिचड़ी, केक साग का फ्राई एंड अचार। एंड बहुत लेट हो गया, 4 बज गया है, मतलब 4 बजने वाले हैं। एंड अब हम निकलेंगे बीच की ओर। सो यहाँ पे मैं बीच आ गई हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला रेडी होके आपसे बात करने का क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा मस्ती करेंगे और रितविन को बीच बहुत पसंद है, वो बालू वगैरह में खेलता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं भी खेलने देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बालू मिट्टी में खेलने से बच्चे ज़्यादा मजबूत होते हैं। ट्राई करो।